प्रिय मित्रों, बहुत सी यादें आपके साथ लग जाती हैं। आप उनको भुलाकर भी भुला नहीं सकते। समय बीत जाता है, समय तो निरपेक्ष है, वस्तुतः समय तो स्थिर है। हम बीतते हैं इसलिए हम अपने संदर्भ में समय को बांट लेते हैं। पृथ्वी बीतती है इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में बांट लेते हैं। तो जो भी बीतती हुई चीज है, जो एक उम्र वाली जीती हुई चीज है, पृथ्वी भी एक जीवित चीज है, इसकी भी एक उम्र है। तो उनके संदर्भ में हम समय को एक मापदंड मान के चलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत पहले 25 मार्च 1983 रोजमर्रा की जरूरत है, मैं घर से निकला और पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया कि वहां देखना होता था। मैं अभी यंग था और सेकंड इन कमांड था अपने डिपार्टमेंट का। तो भाई कोई केस वेस तो नहीं है पेंडिंग जिसमें मुझे लिखना हो, कुछ करना हो, ओपिनियन देना हो। तो वो पूछते हुए इमरजेंसी डिपार्टमेंट से मैं सीधा नीचे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के नीचे ही हमारा ऑटोप्सी रूम था, तो वहीं से सीढ़ियाँ उतर के नीचे चला जाता था। और जो हमारे टेक्नीशियन इंचार्ज थे उनसे स्थिति लेकर के फिर फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ी ही दूर ऑटोप्सी रूम से और इमरजेंसी से हमारा ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे, टीचिंग ब्लॉक में, लेकिन वो जुड़ा हुआ था। सो वो जमाना कोई भीड़ भाड़ का भी नहीं था, तो आसानी से एक फ्लोर चढ़ के और दो कदम चल के अपने ऑफिस में पहुंच जाते थे। तो उस दिन 26 मार्च को नहीं, 25 को ही, 25 को ही मैं जैसे ही नीचे ऑटोप्सी रूम की तरफ गया तो वहीं पे मुझे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के SHO मिल गए। उन्होंने नमस्कार करने के बाद में मुझे मेरे साथ ही चल दिए मेरे कमरे में, वहाँ एक ऑफिस था, बैठे। और उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मेरे एरिया में जो काफ़ी समय से एक घर का ऊपर किराया लेकर के रहते थे और नियम से सुबह एक दुकान थी चाय की, वहाँ आकर के चाय पीते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे। जब से वो आए थे 3-4 साल से, 5 साल के कह लीजिए, तब से वो नियमित रूप से उनका ये नियम था। तो आज भी उसी दुकान पे आए और उन्होंने चाय पी और वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि दुकानदार ने नोट किया कि वो काफी देर से न्यूज़पेपर का पेज नहीं पलट रहे हैं। न्यूज़पेपर एकदम स्थिर खड़ा है और वो कुर्सी पे जैसे बैठते हैं उसी तरह से बैठे हुए हैं। उसने पास जाके देखा, थोड़ा उनको हिलाया तो देखा वो तो श्वास छोड़ चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, मृत हो चुके हैं। उन्होंने तुरंत उनको लिया और वहीं पे अपने दुकान के अंदर ही उनको सुला दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तुरंत पुलिस आ गई, उनको पूछा, उन्होंने कहा ऊपरी सीढ़ियाँ चढ़ के रहते हैं, वहाँ पे गए, उनको कुछ ऐसा मिला नहीं, कोई ऐसा एड्रेस भी नहीं मिला कि जिसको इन्फॉर्म कर सकें। तो उन्होंने अपने जो इंक्वेस्ट बनानी थी वहाँ पे 174 में सडन डेथ की बनाई और बना करके कहा कि उसको इनको एम्स ले चलो। और एम्स ले जाने का उन्होंने अपने गाड़ी वाड़ी मंगाई, उसमें ले करके और वो
मेरे आने से कोई कुछ देर पहले ही, मैं कोई 10 साढ़े 10 बजे पहुंचा होगा, तो उसी वक्त वो लेकर के उनको आए ही थे। तो उन्होंने सब मेरे को बताया और कहा कि सब मुझे पता नहीं है कौन है, क्योंकि तो मैं इनसे कभी मिला नहीं, वहीं रहते हैं, मेरा थोड़ा थोड़ा आगे है उससे। तो आप ऐसा करिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको 14 डेज के लिए, उन दिनों में एक सिस्टम होता था कि अनक्लेम्ड जो लोग हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता था, तो 14 डेज तक हम रखते थे। उसके बाद में उस पीरियड को कम कर दिया गया 3 डेज, अदरवाइज पहले 14 डेज तक वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहता था मोर्चरी में, और जब 14 डेज तक लोग अखबार में निकलवाते थे और टेलीग्राम्स देते थे जो भी उनके पते हों, और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था तो आफ्टर 14 डेज उनका डिस्पोजल किया करते थे। लेकिन उन दिनों में ऑटोप्सीज की संख्या भी कम होती थी, ऐसे इंसिडेंट्स भी कम होते थे, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इस मत तो उनको एक लेटर लिखना पड़ता था, उन्होंने लेटर लिखा और मैंने उस पर दस्तखत वगैरह कर दिए, और उनके साथ ही मैं बाहर निकल आया। अभी तक बॉडी जो है, वो जो अननोन मृत थे, वो हमारी जो कोर्ट रूम था जिसके अंदर रखी जाती है, वहां रखी भी नहीं थी, बाहरी ट्रॉली पे पड़ी थी। तब तक शायद 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। तो इतने में देखा मैंने, हमारी सीढ़ियों से, जिस सीढ़ियों से हम आए थे वहीं से कोई एक लेडी नीचे उतर रही है, और उनके पीछे एक आदमी रीत लेके चल रहा है। रीत वो जो चढ़ाने के लिए डेड बॉडी के लिए होती है, एक लिकोट्रेकिया का जो बाल का एक सफेद वो था, उनके जो इंदिरा गांधी का एक निशान सा था, पहचान सी थी, वो मुझे दिख रहा था। लेकिन वैसा का वैसा स्ट्रीक हमारे रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट की डॉक्टर स्नेह भार्गवा थी, उनके भी ऐसा ही था। और वो उस वक्त चेयरमैन हुआ करती थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड के, तो वो भी अक्सर नीचे देखने के लिए, और चीज़ों को भी सुचारू रूप से चल रही हैं अपने राउंड पे आ जाती थी। प्राय वैसे उनका निश्चित एक डे था, ट्यूसडे को आती थी, लेकिन कभी भी आ जाती थी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल मेरे डिपार्टमेंट से सटा हुआ था। तो मैंने सोचा स्नेह भार्गव ही आ रही हैं, तो मैंने कोई ज़्यादा उत्तर तवज्जो नहीं दिया और मैं SHO से बात करता रहा। लेकिन SHO ने, जो उनके पीछे आदमी चल रहा था, वो भी पुलिस का होता है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में होते हैं तो उनकी ड्रेस थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसने उसको पहचान लिया, तो इसलिए उसने वो अटेंशन करके और आगे बढ़ा। तो मैं भी थोड़ा सा सकपकाया कि ये क्या हो गया, और जब देखा तो एकदम हम जैसे वो बढ़े तो उनके साथ मैं भी आगे बढ़ा, तो एकदम सामने पड़ गए। उन्होंने तुरंत कहा, डॉक्टर डोगरा कैसे हो? तो मैं एकदम से शक पका गया कि ये क्या हुआ। देखा तो वो तब तक काफ़ी नज़दीक थे, तो देखो वो इंदिरा गांधी हैं। वो मुझे नाम से जानती थी, बहुत बार उनके उनसे मिल चुका था मैं एम्स में, क्योंकि बहुत सी घटनाएं दुर्घटनाएं, और उनके रिश्तेदार मेरे में एडमिट रहते थे, तो उसने आते से उनसे 4-5 बार पहले मैं मिल चुका था, ज़्यादा बल्कि। तो इसलिए जो है वो बाई नेम, ये उनकी खासियत थी कि हर व्यक्ति को बाई नेम, जिससे 2-3 बार मिल लिए तो बाई नेम याद रखती थी। तो उन्होंने कहा भी डॉक्टर मोगरा कैसे? मैंने कहा ठीक हूँ साहब। फिर मुझे थोड़ा मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड हुआ। तो वो आई, तो आकर के उन्होंने कहा कि भाई अभी अभी मुझे खबर मिली है। खबर क्या? एक्चुअली अखबार के किसी उसमें निकला है कोने में कि जलापति राव साहब की डेथ हो गई, जो निजामुद्दीन एरिया में रहते थे, पुलिस स्टेशन के एरिया में रहते थे, और उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनको देखने के लिए और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सीधा घर से यहाँ आई हूँ। तो वो भी उसी में आए थे, उन्होंने नाम बताया ही था कि ऐसे ऐसे, उनको नाम थोड़ा थोड़ा आइडिया था, SHO को पूरा डिटेल उनका कुछ पता नहीं था। तो मैंने कहा साहब अभी अभी निजामुद्दीन, तो वो बोले हाँ सर अभी अभी, हाँ मैडम मैं अभी अभी
लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे चाय पी रहे थे, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई वहाँ पे कैसा हो गया। तो अभी क्योंकि ट्रॉली बाहर ही थी, हमने ट्रॉली को अपने स्टाफ को बुलाया और ले करके और थोड़ा ठीक से करके उनको उनके सामने देखा, उन्होंने चेहरे को देखा और शांति एकदम 2 मिनट के लिए शांत होकर खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद में उन्होंने रीत वाले को इशारा किया, वो रीत लेके आया, फिर उन्होंने रीत चढ़ाई, फिर उन्होंने हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर 2 मिनट शांत रह के वो और मुझे बोले कि भाई इनका सब ठीक से कर देना क्योंकि इनकी कोई फैमिली नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि फैमिली नहीं है, और ये मेरे पिताजी के, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अपने फादर को इस तरह से याद कर रहे हैं कि बहुत गहरे दोस्त थे, मित्र थे, सॉरी दोस्त, ये मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो इनका कोई नहीं, और SHO कहा कि मुझे पूरी आप खबर देते रहना, तो बताते रहना कि क्या है, कोई जरूरत हो कुछ हो तो मुझे बता देना। ऐसा संवाद हुआ 2-4 मिनट रही वो, और रह करके वो चल दें। मैं बहुत समय तक सोचता रहा, पर आज मैं सब देखता हूँ, आज के नेताओं को, उनको भी बहुत देखने का मौका मिला है। तो वो एक जो उनमें एक चीज थी, जो एक मानवीयता उस वक्त उन लोगों में देखने को मिलती थी, हालांकि सत्ता लेने के लिए लोग हजार तरह की बातें अच्छी बुरी लोगों के पास बारे में फैलाते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में भी हजार अच्छी बुरी बातें जो पॉलिटिशियंस, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिशियंस होते हैं वो करते हैं, लेकिन मेरा उनका व्यक्तिगत बहुत अच्छा, मेरा ओपिनियन हमेशा रहा कि वो बहुत ही जबरदस्त लेडी थी और बहुत साधारण, आप मिलने पे एकदम पाते थे कि जैसे बहुत ही साधारण लेडी हैं, बहुत साधारण एक व्यक्ति हैं जो आपके साथ में बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता था। आप भी उसको अपना फ्रेंडली समझते हो, किसी तरह की कोई आपके मन में डर है या एक जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है उनके साथ में, हो जाती थी उनके साथ में। ये मेरा जो 5-6 बार उनसे इंटरेक्शन हुआ एम्स में, इन्हीं केसेस में ही हुआ, कुछ तो कुछ केसेस में हुआ, एक पहले उनसे हुआ था, 2-3 उनके और तरीके से उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो ये एक बात मुझे बड़ी याद रहती है। खैर, उसके बाद में उनके जाने के बाद में हमने चिलापति राव को, जो कि एक बहुत माने हुए पत्रकार थे, और इनका जन्म 1908 में विशाखापट्टनम के पास हुआ था, और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से, विशाखापट्टनम उस वक्त मद्रास ही कहलाता था, अब आजकल तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, पर उस वक्त ये ब्रिटिश टाइम में ये सारा मद्रास प्रेसिडेंसी में ही आता था। तो ये पढ़े भी मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज था, वहाँ से MA किया, और उसके बाद इन्होंने LLB किया, मद्रास लॉ कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने LLB किया, और उसके तुरंत बाद ये पत्रकारिता में चले गए। और पत्रकारिता में सबसे पहले इन्होंने एक जो मेरी बड़ी फेवरेबल पत्रिका रही बाय चांस, बचपन में तक की काफ़ी शुरू तक आती रही, 60s तक, 50s तक आती रही, और मैं उस वक्त बीकानेर में था, जो हमारी वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, पब्लिक लाइब्रेरी अभी है वैसे की वैसी है, तो वहाँ पे ये रेगुलर आया करती थी, त्रिवेणी और दी वीक, ये दोनों ही पत्रिकाएं मैं बहुत लाइक करता, दोनों पढ़ता था। तो इन दोनों में एडिटोरियल का काम किया, और उसके बाद 19 ये जब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जब नेशनल हेराल्ड 1938 में लखनऊ में शुरू किया, तो ये उनकी पहली चॉइस थे। तब तक ये काफ़ी हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में काम कर चुके थे, असिस्टेंट एडिटर वगैरह और भी काफ़ी पत्रिकाओं में कर चुके थे, और ये अपना नाम स्थापित कर चुके थे एडिटोरियल फील्ड में। तो नेहरू जी ने इनको अपने
नेशनल हेराल्ड का जो लखनऊ में उन्होंने 1938 में शुरू किया उसका एडिटर बनाया, और फिर ये उसके एडिटर 40 साल तक नेशनल हेराल्ड के एडिटर रहे। और 1978 में उन्होंने जाके मीन्स इससे रिटायर हुए। 38 से लेके 46 तक वो लखनऊ में ही रहा नेशनल हेराल्ड, उसके बाद दिल्ली आ गया, और दिल्ली में आने के बाद भी ये लखनऊ से दिल्ली आ गए, और यहाँ भी यही उनको एडिटर का काम करते रहे। और नेहरू जी के ये पर्सनल व्यक्तिगत सलाहकार कह दीजिए उसके रूप में ये रहते थे, और उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, और इनको पूरी पॉलिटिकल काफ़ी इनकी समझ थी, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं थे वो। सिर्फ उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में असेंबली जो है उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इतना सा ही पॉलिटिक्स में ये रहते रहे कि जहाँ पे इंटरनेशनली और भी कई कंट्रीज में इन्होंने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और ही ब्रॉट ए गुड नेम टू कंट्री बाई पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, और इलस्ट्रेटेड वीकली में भी इनका रेगुलर कॉलम आता था, और मैं उस कॉलम को भी पढ़ता था, तो इसलिए मेरा इनके प्रति थोड़ा सा बचपन से ही जानता था मैं कि चेलापति राव कौन है। तो पहले तो मैं उनको चेलापति ही कहता रहा, चेला चेला में मारवाड़ राजस्थान में चेला शब्द काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता है लोगों के लिए, जो जिसका चेला में सोचा चेलापति है, तो ये चेलापति थे CHALA। तो ये मेरे बात को पता चला कि नहीं वो चेलापति है, नहीं तो आई यूज टू अंडरस्टैंड चेलापति राव जो है। पूरा नाम इनका जो है वो था मणिकोंडा चेलापति राव, बट मणिकोंडा के नाम से इनको बहुत कम लोग जानते थे, और ज़्यादातर ये एक और भी इंग्लिश नेम यूज़ करते थे, क्योंकि एडिटोरियल में वगैरह में कई बार क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह लिख रहे हैं तो थोड़ा नाम अलग से अपना मेंशन कर, मैग्नस के नाम से भी ये कुछ लिखते थे, तो वो नाम भी इनका। लेकिन प्रायः सभी लोगों लोग जो है उन्हें चेलापति राव के नाम से ही सबसे जानते थे, और नेहरू जी के एक अनंत मित्र, और नेशनल हेराल्ड के आप यही कह दीजिए कि संस्थापक एडिटर, और जो बड़े लंबे समय तक उसके एडिटर रहे। आजकल थोड़ा उसका झगड़ा वगड़ा डाल दिया है, गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया है, वो पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ इस व्यक्ति ने इस देश की सेवा थ्रू नेशनल हेराल्ड के, और नेशनल हेराल्ड भी काफ़ी समय तक एक बड़ी अच्छी पत्रिका रही जो प्राय प्राय सब जगह जाती थी, और क्योंकि ये नेहरू जी उससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी उससे जुड़ी हुई थी, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। तो ये थे हमारे चेलापति राव, और उनके इंदिरा गांधी की उनके प्रति जो है रेस्पेक्ट, तो ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा उस वक्त, आज भी याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।